पौड़ी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार श्रीनगर की ओर से आ रहा विद्युत पोल से भरा ट्रक बस अड्डे के समीप पलट गया। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया कि श्रीनगर से पौड़ी की ओर आ रहा एक ट्रक जिसमें विद्युत पोल लगे हुए थे पौड़ी बस अड्डे की चौड़ाई पर उलट गया। उन्होंने बताया कि ट्रक में क्षमता से अधिक पोलों को ट्रक में रखा गया था। पोल निर्धारित मानकों के अनुरूप ना होकर गाड़ी से बाहर थे। वो ओवरलोड होने के चलते ट्रक के अगले पहिए मोड़ पर सड़क के ऊपर उठ गए, जिससे ट्रक के पीछे लदे पोल बाहर निकल गए। इस दौरान वाहन चालक और आसपास के राहगीर पोलों की चपेट में नहीं आए, लेकिन सड़क के दोनों ओर जाम। पूरे मामले को लेकर ओवरलोडेड ट्रक पर चालानी कार्रवाई की गई। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। नगर से ये बिजली के पोल थे, इनको ले गया था और बुबाखाल जा रहा। इसमें जो ये बिजली के पाइप थे, ये कुछ ट्रक से बाहर निकले थे, तो अचानक बैंड पे गाड़ी थोड़ी अनकंट्रोल हो गई, तो उसमें से क्या थोड़ा सा वहाँ जाम की प्रॉब्लम हो गई थी। गाड़ी वाले हमने चालान कर दिया, उसकी हाथी कब्जे में दी गई। ये घटना है अभी लगभग शाम 4:30 बजे की। एक हम ये बिजली के पोलों से भरा हुआ एक लोडेड ट्रक मोड़ पे अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से इसके इस पर लदे सारे पोल जो है एक एक करके सारे रोड पे आके गिरने लगे और ट्रक का अगला टायर आगे से ट्रक जो है खड़ा हो गया।